we have to do some recapitulation what we have been doing in all those standards. we are not going to add in one particular question all those standards, but some of them i'm going to show you how those standards are incorporated when we are preparing the financial statements. so let's see a question. The following trial balance relates to सलमान Normally, trial balance से हम आगे अकाउंट्स बनाते हैं तो ये स्टेट ट्रायल बैलेंस देखें रेवेन्यू नोट नंबर वन इसका मतलब ये है कि इसमें कोई एडजस्टमेंट होना बाकी है। कॉस्ट ऑफ सेल्स अगेन नोट नंबर वन सो इट मीन्स स्टिल इसमें भी कोई एडजस्टमेंट होना बाकी है तो वी विल लुकिंग टू दिस नोट्स रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लोन इंटरेस्ट पेड देखिए एक तो है पेड और एक होता है जो अभी पे नहीं किया तो जो पे नहीं किया है उसको भी इनकॉर्पोरेट करना है ये पेड है ऑर्नरी शेयर ऑफ ट्वेंटी फाइव सेंट्स ईच फुली पेड तो ये वहाँ पर ट्वेंटी फाइव सेंट्स का भी शेयर होता है हमारे यहाँ दस रुपये का शेयर होता है शेयर प्रीमियम रिटेन अर्निंग ये ओपनिंग है इस साल के अकाउंट में ऐड नहीं हुई और फिर ये है सिक्स परसेंट रिडीमेबल लोन नोट इश्यूड इन 2010 थाउजेंड टेन ये रिडीमेबल नोट है और इस पर आपने साल का छः परसेंट इंटरेस्ट पे करना है अब आप देखें यहाँ पर एक छोटी सी कैलकुलेशन देखें कि अगर लोन आपका फिफ्टी मिलियन का है और उस पर छः परसेंट इंटरेस्ट बनता है तो तो बनता है तीन मिलियन तो आप उसके हिसाब से अगर आप देखें कि आपने तो अभी वन मिलियन पे किया तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली एक बात समझ में आनी चाहिए कि आपको एक 1.5 मिलियन का इंटरेस्ट पेएबल क्रिएट करना होगा या तो टेक्निकली यूँ कह लें कि आप जो इस लोन पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो हाफ ईयरली पे कर रहे हैं तो पहले छः महीने का पे हो चुका है अभी जो बाकी के छः महीने उसके लिए आपको एक्रूवल करनी पड़ेगी एडजस्टिंग एंट्री बनाना पड़ेगी तो लैंड एंड बिल्डिंग को देखें अगेन इसमें भी एक लैंड का पोर्शन है फोर्टी मिलियन का और बाकी बिल्डिंग का हो जाएगा सिक्सटी मिलियन का और इसके लिए भी उसने नोट बताया कि इसमें देखिएगा कि किस तरह से उसकी एडजस्टमेंट्स करना है क्योंकि बिल्डिंग जो है उस पर डेप्रिसिएशन होती है लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं होती इसलिए उसने बिल्डिंग का सेपरेट बता दिया है प्लाट एंड इक्विपमेंट अगेन नोट दिया हुआ है क्योंकि इसमें भी एडजस्टमेंट क्या है कि एक तो नॉर्मल जो आप यूज़ करते हैं प्लांट और एक प्लांट वो होता है जो आप वहाँ से निकाल कर होल्ड कर लेते हैं फॉर सेल तो इसमें भी एक एडजस्टमेंट आएगी डिफर फॉर एक्सपेंडिचर आप डिवेलपमेंट कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट्स के लिए या किसी प्रोडक्ट के लिए या किसी फॉर्मूले के लिए तो उसमें जितनी भी कॉस्ट इनकर होती है अगर तो वो फिजिबल बनता है प्रोजेक्ट लेटर ऑन तो आप उसको कैपिटलाइज़ करते हैं जनरली इसके लिए भी अलग से स्टैंडर्ड है जो हमने स्टडी नहीं किया है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा थो ब्रीफ कर देता हूँ रिसर्च एंड डिवेलपमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में है कि रिसर्च का एक्सपेंस जो है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देर एंड चार्ज हो जाएगा लेकिन जो डेवलपमेंट कॉस्ट है उसको हम कैपिटलाइज करते हैं और उसको फिर हम अप्रोप्रिएट करते हैं लाइक like डेप्रिसिएशन तो डेवलपमेंट जो है ये इंटेंजिबल एसेट है इसलिए इसके लिए अमोर्टाइजेशन का वर्ड यूज़ होता है कहा जाता है एक्यूमोलेटिड डेप्रिसिएशन ये जो एसेट्स हैं आपके उनकी ओपनिंग बैलेंसेज हैं और एक्यूमोलेटिड अमोर्टाइजेशन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की भी अमोर्टाइजेशन वो डेप्रिसिएशन प्रोविजन ही कह लें आप ये भी इनकम टैक्स का नोट भी दिया हुआ है और डिफर टैक्स का नोट भी दिया हुआ है यह डिफर टैक्स थोड़ा सा एक होता है स्टूडेंट्स की समझ में नहीं आ रहा होता है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि डिफर टैक्स है कि आपने गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आपको फ़ायदा पहुँच रहा है इस साल लेकिन वो फ़ायदा अगले साल रिवर्स हो जाएगा अब मैं कैसे बता देखिए इसकी एंट्री बता देता हूँ मैं आपको कि देखिए आप जो कोई नया एसेट खरीदते हैं तो डेप्रिसिएशन फर्स्ट करिए आपने पाँच सालों में चार्ज करनी है तो पाँच सालों में हर साल आप प्रॉफिट को चार्ज करते जाएंगे एक्सपेंस रिकॉर्ड होता चला जाएगा लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि जी आप हम हम आपको अलाउंस देते हैं दो सालों में आप राइट ऑफ करें तो हालांकि करना आपने पाँच में ही है लेकिन इसको कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस यानी आपको बेनिफिट दे रहे हैं दो साल में जबकि आपसे रिकवरी होगी पाँच सालों में तो इसमें जो टाइमिंग डिफरेंस आता है उस टाइमिंग डिफरेंस की वजह से डिफर टैक्स कैलकुलेट होता है और ये डिफेंट टैक्स के बारे में नोट कर लें कि ये पे नहीं होता कहेंगे कैसा टैक्स है जो पे नहीं होता भाई अल्टीमेटली ये प्रॉफिट से क्रिएट होता है और जब रिवर्सल का टाइम आता है तो ये प्रॉफिट ही को रिवर्स हो जाता है तो इसलिए इसकी पेमेंट नहीं होती लेकिन जब हम अकाउंट्स बनाएंगे टैक्स का तो उसमें ये हमको दिखाना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट में भी दिखाना पड़ेगा और बैलेंस शीट में भी दिखाना पड़ेगा और डेफर टैक्स के बारे में ये करंट लाइबिलिटी नहीं होती ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स और आगे है इन्वेंट्री थर्टियप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेल्व यहाँ भी एक प्रॉब्लम है इन्वेंटरी तो सबसे आखिर में नोट्स में होती है एडजस्टमेंट में होती है इसमें क्यों है इसमें इसलिए है कि आपने पहले से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना ली है जब आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना ली है तो ओपनिंग तो कॉस्ट में ऐड हो गई और ये जो है ये क्लोजिंग स्टॉक है इसलिए ये यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में आएगा तो जब भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रायल बैलेंस का हिस्सा बनती है क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका अलग से ट्रायल बैल्स में नज़र आना चाहिए ट्रेड बैबल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है थैंक यू वेरी मच जी